पे आ गई है। हर घर में कैंसर है, हर घर में काला पीलिया है, हर घर में पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां उग गई है इस चीज की वजह से। हमें यह नहीं पता कि कितनी पेस्टिसाइड खा रहे हैं। एक बंदा एक जीरे के लिए पता नहीं 5 कट्टे 10 कट्टे 6 कट्टे पता नहीं कितना कितना खाद डाल देता है, और वो खुद हम ही है, कोई और नहीं है कि कोई और डाल देता बाहर से आगे, हम खुद डाल रहे हैं इनकम के लिए। ऐसा न नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, हम किसी न किसी खास कार्यक्रम में और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करवाते हैं। कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाए बैकग्राउंड, एक किसान भाई से आज हम मुलाकात करवाएंगे जो खेती बाड़ी कर रहे हैं और सब्जियाँ उगा रहे हैं, और सब्जियों से ही जो प्रॉफिट होता है इनको, इसी से अपना जो आर्थिक स्थिति है अपना गुजारा इसी चला रहे हैं। भाई साहब क्या नाम, सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे? राकेश कुंडू सर। राकेश कुंडू, और हमारी टीम नरवाना में पहुंची है, गांव डाकल है, डाकल गांव का जो अड्डा है इसी के ऊपर है जो पूरा फार्म का साला सर कृषि फार्म के नाम से ये लगा रहा है। कुछ कस्टमर भी आए, एक बार तो इन्हीं से पूछ लेते हैं, कहीं ये भाई बड़ा सा चढ़ा करके कुछ बात बता दे। तो कस्टमर आ रहे भाई साहब, राम राम। राम राम भाई, आप यहीं से सब्जी लेते हो? जी हाँ, डेली यहीं से सब्जी लेते हैं। क्या खास बात लगती है भाई साहब, आप यहाँ से सब्जी लेते हो? देखिए, सुबह सुबह सब्जी लेते हैं जी, खुद तोड़ के लेके आते हैं और ताज़ी सब्जी मिलती है। और ये इसमें जो खाद होता है, खाद देसी खाद यूज करते हैं, और जो यूरिया वगैरह वगैरह है वो बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। जो कीटनाशक दवाएं हैं जो अक्सर मंडियों में सब्जियों में मिलती है। कैसी मिलती है आपको यहाँ से, जो मिले हो मिलती है? ठीक मिलती है, बहुत बेहतरीन। रेट कैसा लगता है आपको, यहाँ से लेते हो फिर दुकान से लेते हो, एक फेरी वाला जो घूमता है या शोरूम से लेनी पड़ती है, रेट कौन सा बेटर लगता है? देखिए, अगर हम मंडी में जाते हैं, एक बाइक से जाते हैं, 50 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, और सब्जी भी अच्छी नहीं मिलती है और महंगी, यहाँ पर कम से कम भी 40% का यहाँ पर रेट का फर्क है। और एक ताजी है, मेन चीज ये है कि भले पैसा देना पड़े लेकिन चीज अच्छी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और ये चीज बहुत बेहतरीन चीज देते हैं, हमें भी ये यहाँ से लेने से खुशी होती है। एक किसान भाई ने हिम्मत की है और जो सरकार की तरफ से टेक्नोलॉजी आ रही है उसको यूज करते हुए, ऐसा नहीं कि पुरानी पद्धति से, नई पद्धति से ये चला कमा रहे हैं और अच्छी फसल ये उगा रहे हैं। एक लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए अच्छी चीज़ लोगों को परोस रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि भाई यहीं से ही, हम तो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आसपास के जितने लोग हैं यहीं से सब्जी ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। एक बहन जी भी हमारे साथ, बहन जी राम राम। कोई नहीं बहन जी, एक तरफ बहन जी आप सुनो, सब्जियाँ कैसी बनती हैं आप सिर्फ ये बताएं, सब्जियाँ कैसी बनती हैं आप यहाँ से ले जाते हो? अच्छी बनती है सब्जियाँ, मतलब जो घिया भी आपके सामने, अब आपने जो ये टिंडे लिए हैं अमरूद है और ये गोभी है, देखिए पहले भी आप सब्जियाँ लेते हो? हाँ, ले ले ले। तो कैसी बनती है ये, यहाँ से सब्जी लेते हैं या किसी शोरूम से आप लेते हैं, किसी दुकान से लेते हैं, ज्यादा बेटर कौन सी है? खेत की है, जैसे ये अच्छी बनती है। रेट कौन सा सही रहता है? ये ठीक है, इधर इसका रेट भी अच्छा लगता है। बस इतनी बात, आप भी वैसे ही बताते हो। और देखिए, एक एक खेत में किस तरह से कितनी प्रकार की सब्जियां उग सकती है ये किसान भाई ने हमको बताया है जी। एक जगह पे दुकान पे जाएंगे तो सब्जियों की दुकान पे सिर्फ सब्जी मिलती है, इस खेत के अंदर आप आओ इसे फल फ्रूट मिलते हैं, टमाटर मिलते हैं, तरह तरह की सब्जियां मिलती हैं, नींबू मिलते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमको यहीं पर मिल जाती है, हमको मंडी जाने की बजाय, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारा पेट्रोल का पैसा भी बचता है, और एक किसान भाई को प्रोत्साहन भी मिलता है कि हिम्मत इसको मिलती है कि और नया कुछ करे। बिल्कुल, तो हम बोले भाई आपका जो ग्राहक है ये तो बहुत भाई मार्केटिंग मास्टर है, बहुत अच्छी तारीफ भी करे आपके काम की भी, और वैसे भी आई भाई क्या नाम बताया था आपने? राकेश कुंडू। राकेश, एक बार आपके खेत में जा करके देखेंगे जो सब्जी आपने जो लगा रखी है, जैसे ये अभी भी उग रही है साथ में। अंकल जी राम राम, ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ से सब्जी लेते हो? जैसे भाई साहब यहाँ बहुत बढ़िया सब्जी है, बिना खाद बीज की है। ठीक है जी, हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। हाँ, मैं तो शुरू से ही। अच्छा, जो ये बड़े बड़े शोरूम रहे, फ्रीज में रखे रहे सब्जियाँ, बड़े बड़े दुकानदार हैं वो रखे रहे, ये सबसे बढ़िया सब्जी है, सबसे बेटर है, और फायदा भी इसको इनको किसान को सही मिल रहा है। हाँ ठीक मिल रहा है, रेट भी ठीक है, सब्जी बढ़िया है, सबसे बड़ी बात सब्जी। कैमरामैन कहूँगा कि एक बार मेरे साथ एक बार आए और हम पूरे खेत को दिखाएंगे जो एक। अच्छा सुनील भाई, चलते चलते एक बात कर लेते हैं, जैसे हाँ सर बोलो, इस तरफ आ जाओ आप, जैसे एक मिनट जैसे ना खेत में जैसे आप उगाते हो, कई किसान पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि यहाँ जो सब्जियाँ रख रखी हैं हाँ, वो बाजार से लेकर के आते हैं लेकिन दिखावे के लिए बोल लेते हैं, ऐसा काम तो नहीं है आपका? नहीं 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 सर जी, ये तो आप ट्रेलर देख रहे हो, फिल्म नेक्स्ट आपको यहीं मिलेगी। बिल्कुल,
दिखाएंगे, चलते चलते एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ये अपने की अलग ही है, ठीक है, जो ताजी बेल है। अच्छा देखिए, एक बार कैमरा मैन कहूँगा कि ये घिया जो साथ साथ में जो लगी हुई है, देखिए देखो सर जी, अरे वाह जी वाह। तो रेट क्या देते हो आप घिया? रेट सर 20 रुपये वन के, 20 रुपये यहाँ देते हो। तो बाजार से यदि लें तो उसको कस्टमर वो क्या क्या रेट पड़ते हैं? सर वहाँ तो देखो ज़्यादा चलता रहता है, जैसे कई बार अगर शॉर्टेज है मंडी में माल नहीं है तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हमने फिक्स किया हुआ लगभग। अच्छा हाँ, क्वालिटी इसकी अच्छी है? हाँ अच्छी सर, यहाँ से श्योर। वो तो नहीं सुए वगैरह लगा के तैयार करेंगे, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो कितनी कम घिया लगी हुई है। ठीक है, अगर ऐसा होता ना आपको घिया ही घिया मिलती है, पत्ते नहीं दिखाई देने थे। ज़्यादातर आपने जो बेल है कद्दू है? हाँ सर, ये नेचुरल तैयार होगा, ये 5 दिन में हो, 1 हफ्ते के हो, ये नहीं है भाई। अब ये जो अब ये है, ये कितने दिन में तैयार होगा? ये सर कम से कम इसमें 4-5 दिन लगेंगे, 4-5 दिन लगेंगे। हाँ, क्योंकि अगर हमें ओवर डोज को दी होती ना, एक बेल लगभग ये कद्दू की जैसी बेल है। हाँ सर, कितनी कद्दू दे सकते इसमें सर डेली? मतलब ये लगा लो आप 10 कद्दू हमें यहाँ से मिल जाते हैं, 10 कद्दू अगर एक बेल से अगर एक नंबर में करते हैं तो। अगर ओवर डोज होंगे तो ज्यादा भी मिलेंगे हमें, बिल्कुल, लेकिन हमें उससे मतलब संतुष्ट है। एक अच्छा, हाँ हाँ, ज्यादातर आप एक नंबर से ही करेंगे? हाँ 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 भाई, तो कोई बात नहीं है, 3 दिन लेट हो जाएगा, 4 दिन लेट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कब से आप भाई है, कब से जो कार्य करें, एक बार आओ नीचे आओ, एक बार पूरा पार्क ही दिखाते हैं भाई ने, तो मतलब जबरदस्त अमरूद का बाग भी लगा रखा भाई। हाँ, सर, ये अमरूद है, ये नींबू है। अच्छा, नींबू भी साथ में? हाँ, ये नींबू सर, ये बाहर वाली लाइन है जो। अच्छा, और ये क्या लगा रखा है इसमें? धनिया, पालक है, वो धनिया, वो पालक आगे। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, ये बताओ जैसे जब एक किसान खेती करता है, भाई एक तो हो गया भाई, आपने जब एक इस एक किले के अंदर अमरूद भी लगा रखे हैं, धनिया भी लगा रखा, हाँ, साथ साथ में आप अमरूद भी लेते हैं इसकी, हाँ, फसल अच्छा। और नीचे की जो जमीन, इसमें आप धनिया वगैरह भी, गाजर, हाँ, भी, आलू भी, वो तैयार कर लेते हैं। हाँ, भाई एक तरफ तो एक एकड़ में जैसे आपने अमरूद और जो ये लगा रखा सब कुछ लगा दिया, एक तरफ जो एक किले में जो जीरी लगा धान लगा हुआ है, ज्यादा फायदा कौन सी उसमें? इसके अंदर सर ज्यादा फायदा इसमें, हाँ, इसका कोई मुकाबला नहीं सर। अच्छा, खर्चा कितना हो जाए भाई? खर्चा सर जैसे हम क्या क्या चीज़ें करते हैं सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो अकेला अमरूद है, साथ में मैंने खीरे लगाए, वो देखो इसके लिए अलग से खर्चे करने पड़ते हैं। बात हुआ हम लगाते क्या क्या है, अगर अमरूद लगा देते एक बार लगाना, हम उसके बाद सिर्फ नॉर्मली खर्चे रहते हैं सारे सारे। ये बताऊ लगा रखे? हाँ सर, ये बताऊ है। अच्छा, ये कितने दिन में तैयार होता बताओ? सर ये जैसे पिछले साल का ही फूट गया था, 2-3 साल चलता सर ये। अच्छा, कांटे होते इसके भी? नहीं, नींबू सर। अच्छा, नींबू ही है। अच्छा, ये बताऊ का पेड़ इसके ऊपर आ रहा है यहाँ से? अरे वाह भाई वाह, आईडी तो नहीं होती इसकी? इसकी सर किसकी, नींबू की आईडी इसकी? इसकी जो बताओ की लगभग इतनी रहेगी। अच्छा अच्छा, और ये पेड़ क्या का भाई? सर आड़ू का। आड़ू भी लगते हैं ये सर? मैंने फैमिली के लिए 4 संतरा है। अच्छा, 4 पेड़ ये। अच्छा अच्छा, और ये 2 आड़ू के हैं, और ये 1 चीकू का है सिर्फ फैमिली के लिए, और 4 फिर आगे उसके हैं क्या बोलते हैं मौसमी, और 4 फिर उसके अनार के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर। और ये मैंने रो लगाई हुई सर, इसके बाहर ही बाहर सारी चारों तरफ बाउंड्री पे नींबू है, और उसके अलावा सर जो मेरी तारबंदी उसके साथ है करुंदा, करुंदा जिससे हम सब्जी बना सकते हैं और अपना अचार भी डाल सकते हैं। पानी की सुविधा कैसे है? समर सी लगवा रखा है, नहर का पानी है? लग रहा है सर, साथ में नहर का है। अच्छा, और जो ये मशीन है, ये मशीन किस उसकी है? ये बांधने के लिए है, जमीन तैयार करने के लिए। जमीन तैयार करने के लिए, अब कहते हो चला के दिखाऊं एक बार? बिल्कुल बिल्कुल, चला दो एक बार भैया। छोटी मशीन है बांधने के लिए, अब ये जमीन तैयार है इसमें चलाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके अंदर चलेगी? हाँ सर, इसके अंदर। अच्छा, मतलब मेहनत की पहले से जहाँ हम बात करते हैं, मेहनत तो बहुत कम करनी पड़ती है। अभी जो इंस्ट्रूमेंट जो आए हैं, अभी अपने आप इसको कर देगा, पहले कसी को सोल्ले का जो काम होता था वो काफी बेटर। ये मशीन कितने रुपए की आती है? ये मशीन सर मैं 40,000 रुपए लेके आया करनाल से। 40,000? तो लेबर वगैरह और कितनी लगा रखी है आपने? लेबर सर ज्यादा लगती है इसके अंदर, ज्यादा लगती है। हाँ, जितने काम बढ़ाएंगे ना, जैसे आपने देखा होगा मेरे खेत के अंदर कई तरह की वैरायटी है, उसी हिसाब से हमें लेबर भी मेंटेन करनी पड़ती है। टोटल कितने एकड़ में? सर 1.5 एकड़ में सर। 1.5 एकड़, हाँ। इसके अलावा भी कहीं और लगा रखी है? हाँ सर, ये 2 किले नहर से परली साइड है। अच्छा अच्छा सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो कोई नहीं, चला तो बाद में चला लिया ना, टूटे गया स्टार्ट करना। अच्छा अच्छा जी, चलो भाई, एक बार बहुत बहुत खुशी हुई हमने भी, ग्राउंड मीडिया की टीम आ जाई है। कैमरामैन कहूँगा कि पूरे चारों तरफ जो बाग है, एक बार नेचुरल जो खेती, कई बार कहते हैं ना कि किसानों के का, बिल्कुल बिल्कुल, आओ एक बार साथ साथ में हम दिखाते हैं एक बार सुनील भाई के साथ में। देखिए, अच्छा सुनील भाई एक बात बताओ, राकेश नाम है मेरा, राकेश राकेश आ जाओ
भैया उन किसानों के लिए है जो जिनकी जो अभी जो कह रहे थे भाई धान का रेट कम है, सरकार रेट कम देती है, चलिए ठीक है, चाहे वो कौन सी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार आई हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन किसानों की जहां हम बात करते हैं हमेशा से जो दुर्दशा है वो आर्थिक स्थिति को लेकर के, अपनी फसल को लेकर के रेट हमेशा ही कम मिलते आए हैं। और जहाँ तक की बात करते हैं यदि अपनी कम ज़मीन के अंदर अधिक पैदावार, यदि उदाहरण है तो ये राकेश साहब के सामने है। राकेश ने लगभग डेढ़ जो एकड़ है, अच्छा डेढ़ एकड़ के अंदर एक साल की जो एवरेज कुल मिलाकर के राकेश यदि हम बात करते हैं तो कितना प्रॉफिट हो जाता है इसके अंदर डेढ़ एकड़ के अंदर? कम से कम सर 3 लाख रुपये प्रॉफिट। प्रॉफिट खर्चा खुर्चा सब कुछ निकलता है। ये सर आपने खाद तैयार करता है डीकंपोजर से? तो देख सकते हैं आप लगभग डेढ़ एकड़ के अंदर 3 लाख का जो प्रॉफिट है वो आप सभी के सामने है। और सुंदरता भी रही बात भाई, अभी एक बात उठी थी किसानों को लेकर के कि भाई पराली जलाने की, जहां हम बात करते हैं कही थी, कहा गया था कि किसान पराली जलाते हैं ऐसे ऐसे, हालांकि जो धुआं था वो दिल्ली के अंदर जो पटाखे दिवाली के अंदर बजाए गए थे उसके कारण जो धुआं वायु प्रदूषण जो हुआ था वो उसके कारण हुआ था। किसानों को तो वैसे ही इसके अंदर आरोप प्रत्यारोप किसानों के ऊपर लगाए गए थे। और देख किसान दिखाना चाहूँगी जो राकेश भाई है, किसानों ने कितनी सुंदरता डेढ़ एकड़ के अंदर जो बनाई हुई है, हरी हरियाली पूरा प्रकृति जो नेचुरल दिखता जी। ये क्या मेरी तोरी है जी तारबंदी के ऊपर? ये सर मेरा करौंदा है, साथ में सर ये टमाटर है। अच्छा तोरी टमाटर और साथ में दूसरा? आप सपोज करो इतनी कम जगह में तीन तीन इनकम ले रहा हूँ। तीन तीन इनकम बहुत बढ़िया भाई। अभी करौंदा भी सेल करना मेरे को आगे जब फ्रूटिंग होगी इसके ऊपर, और टमाटर लगना शुरू हो जाएगा साथ में टमाटर। मतलब ये दूर तक आपका ही है? हाँ ऐसे सर। तो वो आगे भी फिर आपका ही है सर ये साइड अपना? चलिए बहुत बढ़िया भाई सुनील भाई। ये इसके अंदर 3 बेरियां मेरी आधी डबड़ी के अंदर ही सर। अच्छा नुकसान कब होता है इसके अंदर? ये कहते हैं ना कई बार किसानों को नुकसान हो जाता है, नुकसान ऐसे है बारिश ज्यादा हो जाए या सूखा ज्यादा हो जाए, सर्दी ज्यादा पड़ जाए, मतलब सबसे ज्यादा आपको हानि कब होती है इसके अंदर? बारिश की वजह से। बारिश की वजह से और गर्मी ज्यादा होने की वजह से। अच्छा ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा ऊपर चला जाता है, ज्यादा बारिश होती है तो तब होती है? हाँ और ज्यादा टेम्परेचर जो चला जाता है क्योंकि बीज जब हम उगाते हैं ना तो काफी प्रॉब्लम खड़ी होती है हमारे सामने। अच्छा अब तो जैसे सर्दी है, सर्दी में तो अच्छा रहेगा, सर्दी का आपके लिए काफी प्रॉफिट है। जब वो जेठ का महीना आता है जब तपती धूप होती है उस टाइम पर क्या क्या मोस्टली ज्यादा सब्जियां कौन कौन सी लगाती हैं? नहीं सर ऐसे है जैसे हमें जब मौसम चेंज होता है, जैसे फरवरी के अंदर अब शुरू हो गया नया सीजन हमारे लिए, जैसे हमारे घिया है, तोरी है, करेला है, जो मोटी मोटी चीजें सर फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। गेतिया वैसे नॉर्मली अगर सभी लोग करते हैं जैसे वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगी सबकी, लेकिन जिन लोगों को एडवांस करनी है वो उसने फरवरी से स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल सुनील भाई भी हमारे साथ, सुनील भाई क्या कहना चाहेंगे जो जिस प्रकार की जो राकेश भाई जो खेती कर रहे हैं, बार बार सुनील नाम ही निकल रहा था, राकेश भाई कह रहे थे भी सुनील नाम है मेरा, राकेश है। सुनील जो खेती बाड़ी जो देखी आपने भाई, एक डेढ़ एकड़ के अंदर जो 3 लाख का प्रॉफिट होता है एक साल के अंदर अन्य किसानों की तुलना को लेकर के, भाई इसके अंदर मेहनत भी, मेहनत तो खर्च ज़्यादा है लेकिन जो प्रॉफिट की जहाँ बात करते हैं काफ़ी अच्छा मन लगता है यहाँ पर। भाई किसान है वो, उसके पास कस्टमर भी आते हैं, उनका एक बाज़ार के रूप में उसका मन भी लगा रहता है, आवागमन लगा रहता है, क्या कहना है आपका? मन तो सही लगता होगा ऐसे में? सर रात को जाने का दिल नहीं करता। अच्छा कस्टमर कितने बजे तक आते हैं? सर 9 बजे तक चलता रहता है। उनकी संतुष्टि तो होती होगी यहाँ पर भाई, इतने कम रेट के अंदर इतना अच्छा सुविधा हो जाए, उनको बंद करते तब भी आते हैं भाई हमारे यहाँ, अभी मत बंद करो। अच्छा हाँ कल जैसे रात गाँव में चले गए तो वापस मोबाइल भूल गए थे, तब भी कस्टमर, मैं तो आप लोगों की वजह से वहाँ शहर से भी नहीं ले गया, फिर अब दोबारा फिर गेट ओपन किया तो 9 बजे उनको सब्जी दे के गए। चलो भाई एक बार हमारा भी ग्राउंड मीडिया की तरफ से सारे जितने भी दर्शक हैं उनको हम बताना चाहेंगे, बड़े बड़े शोरूम और जो बड़ी बड़ी दुकान जो फ्रीज में जो सब्जियां जो रखी रहे हैं कई कई दिन की, कई कई महीना की, भाई बेमौसमी। अच्छा जो बेमौसमी जैसे कई बार क्या हो, टमाटर नहीं हो, टमाटर खीरे हों, जैसे बेमौसमी भी जो बड़े बड़े शोरूम है उनमें चाहे तरबूज भी और उसमें कुछ भी रख लो सारे हमेशा वो पाव है वो ठीक है? नहीं नहीं सर वो ठीक नहीं सर, ठीक नहीं है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हाँ सर वो चीजें, हाँ जो मौसम के अनुसार, हाँ रबी की फसल है तो रबी की, खरीफ की फसल है तो खरीफ की। जैसे सर अपना पोलिया हाउस है, नेट हाउस है, उनके अपने अलग पर्पज है, लेकिन खुली जो चीजें हमें सुने के प्रकृति ने दी है दी बेस्ट। बिल्कुल सबसे क्या कहना चाहेंगे सुनील जी इस प्रक्रिया को देख? मैं इस प्रक्रिया को देखते हुए एक बात कहना चाहूंगा, पहले तो मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी जीरी लगाता हूँ, गेहूँ लगाता हूँ जी। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहेंगे, चलो आप बेचने के लिए नहीं लगा सकते कि हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते कि ज़्यादा लेबर की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन कम से कम अपने घर के लिए सब्जी तो जरूर लगाएं।
अपने घर के लिए ऐसा करें कि हम जहर ना खाएं। हम जहर खा रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या डालकर दवाइयां किसान होकर अपने घर के लिए सब्जी तो अपने खेत में तैयार कर सकते हैं। हम इतनी सी जगह में, एक खाट की जगह में हम घर के लिए 12 महीने सब्जी बना सकते हैं। लेकिन हमारे 10-10, 15-15 एक किला भी है जिसके 10-10 किले भी है, वो भी बाजार से सब्जी लेके आते हैं। शर्म की बात है किसानों के लिए, और लोगों के आरोप उठते हैं फिर पराली जलाने के कुछ भी लेके। तो हम किसानों को सिर्फ इतना ही कहेंगे, खेती करो अच्छी बात है जो भी करो, लेकिन साथ में कुछ ऐसा तो करो कि जहर ना खाएं। हम सब्जी अपने घर की उगाएं, गेहूं उगाएं, देसन उगाएं, उसमें खाद वगैरह जैसे पेस्टिसाइड है वो ना डालें। सबसे बेस्ट चीज है किसान के लिए एक मौका है, वरना हम जहर खा रहे हैं और हमारी जिंदगी 100 साल से 50 साल पे आ गई है। हर घर में कैंसर है, हर घर में काला पीलिया है, हर घर में पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां उग गई है इस चीज की वजह से। हमें यह नहीं पता कि कितनी पेस्टिसाइड खा रहे हैं। एक बंदा एक जीरे किले में पता नहीं 5 कट्टे 10 कट्टे 6 कट्टे पता नहीं कितना कितना खाद डाल देता है, और वो खुद हम ही हैं, कोई और नहीं है कि कोई और डाल देता बाहर से आगे, हम खुद डाल रहे हैं इनकम के लिए। ऐसा ना करें, सभी से किसानों से हाथ जोड़कर विनती है, उसमें मैं भी आता हूँ। मैं खुद से पहले खुद को संभालो, उसके बाद दूसरे को कहो। कम से कम अगर आप नहीं लगा सकते कई किले सब्जी के, आप बाग नहीं लगा सकते, कम से कम अपने घर के लिए सब्जी जरूर लगाएं। बिल्कुल भाई साहब, जो यूरिया और जो DAP जहाँ खार और सप्रो की बात कर आती है, प्रॉफिट के लिए कई किसान क्या करते हैं, जल्दबाजी में अपने प्रॉफिट के लिए वो इनका इस्तेमाल करते हैं। आप कितना यूज करते हैं इनका? सर मैं ना के बराबर करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं 2.5 साल से लाइन के अंदर हूँ, क्योंकि धीरे धीरे किसी चीज़ को कटाना होता है। क्योंकि एकदम तो कई बार मैंने स्टार्ट में बिल्कुल प्योरली करने की सोची थी, तब मेरे को कुछ नुकसान हुआ भी था। मतलब वो चीज़ ना ही अपनी उनकी डंग की शकल थी, ना ही मतलब वो जो चीज़ें होनी उसके अंदर थी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मेरे को धीरे धीरे कम कर कुछ दिया। परसेंट मिलावट होती है वो, नहीं, नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं जिस प्रकार से। एक मिनट सर, खाद जब से मैं तैयार करना, खाद की तो जरूरत नहीं रहती सर, खुद नेचुरल जो क्रूडी जो खार हो खुद, मतलब आप खुद तैयार करते हो उसको? हाँ सर, खाद खुद तैयार करते हैं। जैसे अमरूद है अभी शायद अब तो ना मिले आपको, इसके जड़ को अंदर खोदोगे, साथ में अपना गोबर खाद और साथ में गुड़ भी मिक्स मिलेगा आपको। अच्छा, गुड़ भी डालते हैं? हाँ, यूरिया डालने की जरूरत तो पड़ती नहीं, खाद से उन चीज़ें सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। और सर जैसे नेक्स्ट ईयर है मेरी, मैं प्रॉपरली सुने के सारी चीज़ें इस तरीके से मेंटेन करूँगा जिस तरह से वही बता लोगों को मेरे से उम्मीद है। बिल्कुल। चले भाई, आपको भी सभी हरियाणा वासियों को किसी को भी यदि छोटा संदेश देना चाहूँगा मैं अपने जमींदार भाइयों को, चाहे फील्ड कोई भी क्यों ना हो, वो कहते ना कि काम ऐसा करो, और सॉरी कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, और सर काम ऐसा करो कि आपका नाम बन जाए। बिल्कुल। तो सर सभी से मैं गुजारिश करूंगा धीरे धीरे इस को हमें प्योर जहर मुक्त करना खेती बाड़ी को। बिल्कुल। और हमें मेहनत करनी है, धीरे धीरे आदत डाल लें, वो पॉसिबल है, अर्निंग भी अच्छी है और लोगों का स्वास्थ्य भी उससे अच्छा रहेगा, एक समाज सेवा भी एक तरीके से देखे जाए तो। बिल्कुल। देखिए भाई, कहते हैं ना कि भाई जीवन के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए और जीवन को अपने भविष्य निर्माण बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपने ही घर में अपने ही खेत में रह करके यदि हम अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोग भी आते जाते रहते हैं, तो ऐसा काम भी अच्छा रहता है। अच्छा राकेश भाई, यदि आपके पास हरियाणा से कोई व्यक्ति आप जानकारी लेने के लिए आता है, फ़ोन यदि आपके पास आता है किसी का, वो हम ग्राउंड मीडिया के माध्यम भाई किसी ने भी जानकारी यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर डले हुए हैं, आप नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी ने भी किसी प्रकार की यदि सब्जियाँ वगैरह यदि तैयार करनी है, अपने खेत में लगानी है, प्रॉफिट कमाना है, तो आप सुनील भाई से, राकेश भाई से और सुनील भाई दोनों से आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों के अच्छी नॉलेज है। ये अमरूद है, ये सर अपनी जो मक्खी डंक मारती है अमरूद के अंदर। अच्छा अच्छा, ये डब्बा इसलिए लगाया हुआ ताकि मेरे को इसके अंदर जहर यूज ना करना पड़े कीड़े को मारने के। ये मक्खी स्पेशल यहाँ रख रखी आपने सर, ये अंदर इसके अंदर जेल डलता है। ये काम कर क्या करती है मक्खी? ये जाल इसके अंदर सर। अच्छा। ये मक्खी को अट्रैक्टिव करता अपनी तरफ। हाँ। और जो मक्खी आगे इसके अंदर एंट्री करेगी उसके बाद। अच्छा, मक्खी वो पेड़ के नजदीक नहीं। हाँ हाँ, ये देखो ये सर, ये मक्खियाँ ये सारी उड़ रही। देखो कैमरा मैन को एक बार दिखाई, ये देखो सर जो मक्खियाँ हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। हाँ हाँ सर, ये हर पेड़ के साथ ये एक एक। हाँ सर, ये 30 डब्बे टोटल अपने डेढ़ अलग अलग जगह पे, मतलब पेड़ के हिसाब से। एक ही रहा देखो सर, अमरूद भी काफी मोटे मोटे लगे हुए भाई। ये तो खाएंगे बिल्कुल, ये हमारे कैमरा मैन करेगी तो इसको खाएंगे। लो जी, और भी अच्छे मिलेंगे। ले जी हमारे कैमरामैन का एक लाइन से एक पेड़ छोड़ के लगाया हुआ मैंने, ये डब्बा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये सुनील भाई का कैमरामैन के 1 किलो साथ में बांध देंगे। और एक बात और सुनील भाई, हम ये नहीं संदेश देते कि आप शुरू से ऑर्गेनिक करो एकदम से ही। एकदम से ऑर्गेनिक नहीं हो सकता जी, क्योंकि इतना पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इतना यूरिया डाल रहे हैं, इतना DAP डाल रहे हैं, एकदम से पेस्टिसाइड नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे
कम करें और अपना घर का गोबर है जो उससे ही हम खेती कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि एकदम से आप बंद कर दो, वो तो एकदम से किसान भी खत्म हो जाएगा। जो खर्चा पानी है, जो आर्थिक स्थिति है, भी बालक बच्चे हैं, परिवार है, आर्थिक स्थिति है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो हर किसी को आवश्यकता होती है। एकदम फैसला ये न ले और धीरे धीरे जैसे भाई ने शुरुआत की थी, धीरे धीरे आप कदम रखते रहे, धीरे धीरे एक दिन ऑर्गेनिक की तरफ आए। बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरफ आए। तो भाई लास्ट में एक बार आओ, इस तरफ आ जाएं और लास्ट में पपीते भी लगने लगे भाई। हाँ सर, बहुत थक गया। कोई नहीं, बहुत अच्छा भाई, हमारे कैमरा मैन भी कह रहे भाई थक लिए हम, चलते चलते भाई शहर मरो वहाँ, शहर मरे ना थके जा है भाई राके से। वीडियो बनाना पड़ेगा। चलो बढ़िया भाई, चलो भाई बहुत अच्छा। देखो आज खुशी मिली हमें, इस तरफ आ जाए राकेश भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके। आपको कैसा लगा राउंड मीडिया से मिल करके? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश देंगे हरियाणा वासियों को, उन किसानों को जो मेहनत कहीं ना कहीं शॉर्टकट विधि अपनाते हैं पैसा कमाने के लिए, और वो ज़्यादा खाद यूरिया बस उनको फसल ही फसल, जहाँ से जल की भी कमी होती है, क्योंकि आज जल का सत्र आपने पता है कितना कम हो चुका है। हाँ सर, आज पानी की कमी है, पीने का पानी नहीं मिलता, लेकिन वो जीरी उत्पादन के लिए या अन्य फसलों के लिए पानी पे पानी 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 सिर्फ पैदावार करने के लिए वो, लेकिन उसका आने वाला जो भविष्य है, हमारी जो संतानें होंगी, हमारे जो बच्चे होंगे, शायद उनको पानी नहीं मिलेगा। हाँ सर, मैं कहना चाहूँगा, देखो अगर सिर्फ हमारे मेहनत करने से हमारे समाज में सुधार होता है और हमारी फैमिली की फाइनेंशियली कंडीशन अगर अच्छी रहती है तो हम मेहनत क्यों ना करें। बिल्कुल, और ऐसी बात नहीं है, अगर लोग मेहनत करने से सिर्फ इसलिए डरते ना कि भाई ऐसे ही परमानेंट करनी है, ऐसी कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 2.5 साल पहले शुरू किया था और लगभग 1.5 साल के अंदर मेरी अच्छी इनकम सेट हो जी, उसके बाद काम लेवर नहीं करना है। 3-4 साल हो गए ना अपने काम करते? सर 2.5 साल हो गया। 2.5 साल? हाँ सर। तो लगभग 1 साल के अंदर 3 लाख प्रॉफिट? हाँ हाँ सर। तो देख लो भाई, कुल मिला करके बढ़ने वाला सर, बढ़ने वाला भी आगे हर साल सर, हर साल जैसे जैसे अमरूद की प्रोडक्शन बढ़ेगी सर, जैसे आप पपीता जो जो चीज़ मैं लगा रहा हूँ, अब एक बार तो जैसे ने 20 किलो दिया था एक भाई, तो वो एक काम हो गया। वो कहा नहीं बोला, आज हमने जो पेट लगाया है ना, इसके फल हम खावा ना खावा, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी संतान जरूर खावेगी। दूर जाओ, अभी ये नेक्स्ट ईयर अभी जो पेट अब लगाया है। हाँ सर, ये फरवरी में लगाया था मैंने, नेक्स्ट ईयर इसका नींबू लगेगा, आकार भी बड़ा होगा। हाँ सर, लगभग इतना हो जाएगा, तो लगभग 5-6 लाख रुपये डेढ़ एकड़ के अंदर आप कमा सकते हैं। हाँ इजीली सर, कोई देख लो भाई, डेढ़ किला है लगभग, डेढ़ एकड़ के अंदर आप जब इतनी कमाई कर सकते हैं, तो आप ये जो खेती बाड़ी का जो सिस्टम है बहुत अच्छा लगा हमें। तो भाई ग्राउंड मीडिया की टीम ने आज ग्राउंड पर आकर के ही हमने जो दिखाया है, तो ये रियल में हम कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम यही बता देते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। भाई का जो मैं नाम भी बार बार भूल जाता हूँ, कभी सुनील कोई राकेश कह देता हूँ, तो भाई बगैर फोन करे वैसे ही आपके पास आना हुआ। राकेश भाई आप हमें पहले तो नहीं जानते थे ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो ये नेचुरल जो आपकी यदि किसी भाई को समझ में आता है, तो आप खेती बाड़ी करें, भाई से जानकारी लेने तो आप भाई से जानकारी लेते हैं, या कोई बिजनेस नहीं है, केवल कार्य कर रहे हैं आप, इनसे यदि खेती बाड़ी करने तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, यहीं पर मिलेंगे राकेश भाई। गाँव ढाकल गाँव है नरवाना के पास, विधानसभा क्षेत्र नरवाना के अंदर। तो एक बार फिर हमारी ग्राउंड मीडिया की टीम, हम इसी प्रकार जो हमारे खास कार्यक्रम है ग्राउंड पर जाकर के हम दिखाएंगे जो समाज के लिए एक यूनिक कार्य कर रहा है। तो बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र नरवाना से मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।